वेलकम दोस्तों टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। आजकल हम हर जगह सुन रहे हैं मोदी जी बोल रहे हैं मोदी जी की गारंटी। पिछले 8 सालों में लगभग 6 लाख करोड़ लाभार्थी किसानों को दिया गया। ऐसे ही कई करोड़ों रुपए लाभार्थी गरीब मजदूरों को दिए गए। पर क्या ये अमाउंट, क्या ये फैसिलिटीज उन लाभार्थियों तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, और उसके पीछे क्या दिक्कतें हैं? हमारा ग्रामीण क्षेत्र, भारत का जो पूरा फैला हुआ ग्रामीण क्षेत्र है, ये अपने आप में एक बहुत विशाल है और उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, और इन सबको समझना बहुत ज़रूरी है जब हम बात करते हैं गारंटी की। रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी, इसका नाम है सशक्त पंचायत, जो बात करती है पंचायत की इम्पोर्टेंस की और कैसे पंचायत जो है वो लाभार्थी को डिफाइन करने के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल है। इस बुक के ऑथर मिस्टर अमित मेरे साथ इस शो पर हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अपने देश के ग्रामीण क्षेत्रों को, पंचायत को समझना चाहते हो, और जो हम बार बार बोलते हैं कि मोदी की गारंटी या लाभधारी के लिए गारंटी, तो ये गारंटी के बारे में सब कुछ क्या है, इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लो, क्योंकि हम 1 लाख सब्सक्राइबर से ऊपर हो चुके हैं। ये घर है बुक्स का, तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो आइए बात करते हैं अमित जी से। अमित जी, वेलकम टू आवर शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। धन्यवाद हिमांशु जी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जैसे मैंने बात तो कर ही दी कि मोदी जी की गारंटी के बारे में, मैं चाहूँगा कि पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें ऑडियंस के साथ कि आप इस गारंटी को कैसे गारंटराइज कर रहे हैं, कैसे आप इसमें एक तरीके से शामिल हैं, आपकी कंपनी क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं इसमें। जी, और यही मेरे पुस्तक का कारण भी होगा। सामाजिक सुरक्षा, जो कि भारत में 25 लाख करोड़ हर साल दी जाती है, इस साल 25 लाख करोड़ के आसपास की सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। इसमें जितने भी लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, जैसे कि महिला हो गई, किसान हो गए, मजदूर हो गए, विकलांग हो गए, छात्र हो गए, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हो गए, ये जो मार्जिनलाइज लोग होते हैं, इनके लिए सरकार अलग अलग लाभकारी योजनाएं बनाती है, उसका बेनिफिट उन तक पहुंचना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, 25 लाख करोड़ की योजनाएं भारत सरकार, राज्य सरकार मिलकर के इस क्षेत्र में बनाती हैं। अगर आप विश्व में देखना चाहें यही नंबर, तो $15 ट्रिलियन है, जिसमें वैक्सीनेशन की कॉस्ट नहीं है। बट इसके बाद भी जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, वो कहती है कि विश्व में 54% लोगों को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। जब हम बेनिफिट की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन, फूड। इसका मतलब यह है कि जिसने भी इस मनुष्य शरीर में, इस मानव शरीर में जन्म लिया है, और हम इतना विकास कर रहे हैं, हम चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं, और इतनी तकनीकी विकास हो रहा है, इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही है, सो इतना अधिकार तो सबको होना चाहिए कि उसको बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन, फूड तो मिलना चाहिए। कोई भूखे पेट नहीं रहना चाहिए, कोई अगर बीमार है तो कम से कम उसको कॉम्बिफ्लेम या जो बेसिक मेडिसिन है, वो बेसिक डॉक्टर्स, बेसिक काम मुहैया हो जाना, प्रेग्नेंट लेडी को मेडिकल असिस्टेंस मिलनी चाहिए, शिक्षा हर आदमी को कम से कम प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। मैंने बोला आपको आवास, तो आवास का मतलब ये नहीं कोई लग्जरी हाउस, बट हाँ शेल्टर होम, कोई हार्श वेदर कंडीशन में की वजह से कोई अपनी जान न दे दे, तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसे हम कहते हैं वेलफेयर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 25 लाख करोड़ रुपए और ग्लोबली $15 ट्रिलियन, और उसके बाद विश्व में 54% लोगों को ये कुछ भी नहीं मिलता है। भारत में ये नंबर अराउंड 28% के आसपास है, जिनको इनमें से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। फिर तो गारंटी नहीं रही ना, फिर तो वारंटी होगी। जी हाँ, तो ये आप इसीलिए चुनाव का मुद्दा ये बना रहता है, क्योंकि अगर आप ये देखिए, अभी आज ही मैंने, कल ही मैंने इनफैक्ट पोस्ट किया लिंक्डइन पे, मैंने मोदी जी ने बोला है कि मेरे लिए 4 ही जातियां हैं, और वो है युवा, महिला, किसान और मजदूर वर्ग। युवा, महिला, किसान और गरीब, तो ये 4 ही जातियां हैं, ठीक है। ये जो है, अब आप देखिए, कहने को तो एक मैंने एक एनालिसिस किया नंबर का, और मैंने मालूम किया कि इन चारों जातियों का जो सुपर सेट है, दैट मींस कोई एक महिला किसान जो युवा हो और गरीब हो, तो ऐसी 9 करोड़ महिलाएं हैं भारत में। तो मोदी जी गारंटी क्या है,
वो तो कह रहे हैं कि चारों को पहुंचना है, बट इन 9 करोड़ को तो में तो चारों आते हैं, तो यहां तक तो पहुंचना ही चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने अपनी स्टार्टअप इजी गॉव स्टार्ट की थी, और पर्पस ये था कि कैसे ये जो एरर ऑफ एक्सक्लूजन है, जैसा कि हमने देखा पैसे की कमी नहीं है, 15 ट्रिलियन डॉलर, 25 लाख करोड़ बहुत पैसा होता है, आप सबको बेनिफिट दे सकते हैं, और बेनिफिट और कैश में एक अंतर है। आज के में जितनी भी स्कीम चल रही है वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है, भले उनको कहा जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अकाउंट में पैसा जा रहा है, क्या उस अकाउंट में जो पैसा जा रहा है उससे जो सामाजिक सुरक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये भी सोचने वाली बात है। उसकी गारंटी कौन ले रहा है, उसकी गारंटी कौन ले रहा है? अच्छा आज मेरे अकाउंट में पैसा आ गया बट मेरे गांव में स्कूल नहीं है ठीक से, और मैं अपने बच्चे को शहर भेज नहीं सकता हूं, इतना ही पैसा नहीं आ गया, तो मेरे को अच्छी शिक्षा मिलेगी इसकी गारंटी कौन ले रहा है? ठीक है, मैं मेरे को आपने आयुष्मान भारत की स्कीम में एक गारंटी दे दी कि मेरे को ये बेनिफिट मिलेगा कि मैं कहीं भी जाकर के 5 लाख रुपए का इलाज करा सकता हूं, बट मेरे पास कोई हेल्थ फैसिलिटी ही नहीं है। उत्तराखंड में 1 में से 5 प्रेग्नेंट लेडी अगर उनकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट हो जाती है तो रास्ते में अपनी जान दे देती है, ये आज की हकीकत है। कौन सा कैश ट्रांसफर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? तो मैं जब इसके डीप में गया तो पहले तो मेरे को लगा कि लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंचना चाहिए अपने आप में एक बड़ी समस्या है, बट जब मैं इसके डीप में गया मुझे लगा कि नहीं, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। और दूसरी बात, राज्य सरकार और केंद्र सरकार कुछ भी चाहें, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं जब तक इनका गवर्नेंस, इनका कंट्रोल लोगों के हाथ में खुद नहीं होगा तब तक इन समस्याओं का निस्तारण नहीं हो सकता है। और वहीं से मैं प्रेरित हुआ कि इस पुस्तक की तरफ, सशक्त पंचायत, कि हमारा जो संविधान है भारत का उसके हिसाब से ये अधिकार हैं किसके, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, आवास, पानी, ग्रामीण सड़कें, ये सब किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? एक एक स्कूल में टीचर नहीं आता है, ये किसके अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए? गांव में एक सड़क है ठीक है जो हर बारिश में खराब हो जाती है और उसकी वजह से वहां पानी भरता है, हैजा मलेरिया फैलता है, या उसकी वजह से कोई बच्चा पास के स्कूल में पढ़ने नहीं जा पाता है, ये किसके अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए? तो हमारा जो संविधान है जिसका 73वां संशोधन है, 73rd Amendment, जो 1992 में हुआ, उसमें ये 29 विषयों के अधिकार पंचायत को दिए गए। तो संभव मेरे को लगा कि मैं टेक्नोक्रेट हूं, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, बट मुझे लगा कि मैं जिन लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं वो तो उसका संवैधानिक अधिकार ही नहीं है। संविधान के हिसाब से इसके ये अधिकार तो पंचायत को है, तो ये सॉल्यूशन जब तक पंचायत नहीं लेगी तब तक इसका समाधान नहीं होगा। इससे पहले कि आप आगे बढ़ो, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया कि 28 लाख करोड़ जो सेंशन होते हैं ना, 25 लाख करोड़ सॉरी, इसमें से अभी एज ऑन डेट कितना यूज होता है या कितना अकाउंट में पहुंचता है नंबर से? धनराशि तो पूरी पहुंचती है, बजट पूरा यूज होता है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि जिसमें एक्चुअल लोगों के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, वो डाउट, जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। तो सवाल ये है कि अगर मैं बोलूं कि आवास योजना, तो इंदिरा आवास योजना से कहानी शुरू हुई थी 30 साल पहले, और इंदिरा आवास योजना से प्रधानमंत्री आवास योजना तक जितना पैसा आवास योजना में खर्च हो चुका है उसमें पूरे भारत के लोगों को 1.5 बार घर दिया जा चुका होता, बट उसके बाद भी लोग फुटपाथ पे क्यों सोते हैं? मैं गांव में जाता हूं तो लोग कच्चे घर में क्यों होते हैं? तो आवास योजना ऐसा नहीं कि चल नहीं रही है, इसका पैसा खर्च नहीं हो रहा है, बट क्या जो सही लाभार्थी है जिसे आप अंत्योदय कहते हैं, जो पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति है, क्या उस तक बेनिफिट पहुंचता है? आप अभी आप नोएडा से आते हैं ठीक है, आप यहां तक आए होंगे, क्या आपने फुटपाथ पे बच्चों को गुब्बारे बेचते हुए नहीं देखा? कल देखा। तो उनको शिक्षा क्यों नहीं मिलती है? उनका आवास कहाँ है? नहीं, मैं उसी क्वेश्चन पे रहा हूं। आपने कहा 25 लाख करोड़ को मान लो 50,000 रुपए भी एक लाभार्थी के पास जाने थे, तो हम जब अगर डिवाइड कर ले तो इतने नंबर ऑफ पीपल तक वो पहुंचना था, तो उतने अकाउंट्स में जा रहा है पैसा, तो ये तो गवर्नमेंट को दिख रहा होगा ना कि हाँ ये इतने लाभार्थी हैं जिनके पास पैसा गया है, और वो लाभार्थी हैं तभी पैसा गया है, तो फिर दैट मीन पैसा जा रहा है ना, पैसा जा रहा है। गैप कहाँ है? गैप कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, जो मैंने कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है मान लिया, और अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है, ये सब रियल डेटा के ऊपर है, ये मेरी एनालिसिस है जो रियल डेटा पे मैंने
राज्य सरकार के साथ मिलकर के की थी। एक स्कीम है और वो है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट। मांडिया डिस्ट्रिक्ट में 96,000 बच्चे 96,000 बच्चे ओबीसी के हैं जो प्री मैट्रिक में पढ़ते हैं, उसमें से 45,000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। टोटल प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का भारत का जो बजट है वो 1800 करोड़ के आसपास का है। तो पूरा पैसा खर्च होता है, जैसे आपने बोला ना, पूरा पैसा खर्च होता है। 96,000 में से 46,000 को मिलती है, जितना बजट है वो पूरा पैसा खर्च होता है, 46,000 को मिलती है। तो समस्या क्या है? वही मतलब समस्या ये है कि 15,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी जरूरत, एक मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके स्कोर बनाया है जिसे कहते हैं डेप्रिवेशन इंडेक्स, जो मेरी संस्था इजीगॉव ने बनाया AI को यूज करके। 15,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका डेप्रिवेशन 70 से ज्यादा है और उनको नहीं मिलती है। 18,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका डेप्रिवेशन 50 से कम है और उनको मिलती है। अब आप इसको थोड़ा एक्सट्रीम में लेकर के जाइए, 130 विकलांग लड़कियां BPL फैमिली को, जिनके स्कूल में अटेंडेंस 70% से ज्यादा है, उनको नहीं मिलती है। क्यों? क्यों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का आंसर जो मोदी जी भी बोलते हैं, जो आपने जिससे अपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, मोदी की गारंटी, मोदी जी कहते हैं कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इन तक बेनिफिट पहुंचा कर रहूंगा। और मोदी जी ने एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किया जब 2015 में उनकी सरकार आई। उन्होंने बोला कि जो लाभार्थी का जो चयन है, जो लाभार्थी का जो सिलेक्शन है बेनिफिशियरी का गांव के लेवल पे, वो बहुत त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण क्यों है? लाभार्थी की 3 परिभाषाएं हैं। पॉलिसी के हिसाब से जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है वो लाभार्थी है, पॉलिटिक्स के हिसाब से जो वोटर है वो लाभार्थी है, ब्यूरोक्रेट के हिसाब से जो आदमी ब्राइब देगा, घूस देगा, वो लाभार्थी है। इस वजह से ये एरर होती है जो आप बोल रहे हैं। तो मोदी जी ने बोला कि नहीं, ये चलेगा नहीं, इसको बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ये लाभार्थी का चयन ये कौन डिसाइड करता है कि ये लाभार्थी है? तो कहता है कि ब्यूरोक्रेट MLA साहब के साथ मिलकर के या ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के साथ मिलकर के ये डिसाइड करते थे इससे पहले कि लाभार्थी कौन है। जैसे कि मान लीजिए, सॉरी इंटरप्ट करूंगा, मतलब एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। हमने कहा गरीब, BPL फैमिली वाला, तो BPL कार्ड होता है जी, तो दैट मींस अगर ब्यूरोक्रेट हो चाहे MLA हो, अगर जिसके पास BPL कार्ड नहीं है तो वो लाभार्थी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। सेकंड आपने कहा किसान, तो जब तक कि वो रजिस्टर्ड किसान ना हो वो लाभार्थी नहीं हो सकता। तो चाहे ब्यूरोक्रेट हो चाहे MLA, किसी और को किसान या BPL नहीं दिखा सकते, राइट? या ऐसे ही युवा या विकलांग, इन सबके सर्टिफिकेट्स होते हैं जी। तो अगर मैं विकलांग नहीं हूँ या मैं गरीब नहीं हूँ, बिल्कुल सही, तो कोई MLA मुझे विकलांग दिखा के पैसा तो नहीं ले सकता ना। बिल्कुल सही बात है। तो अब आगे कंटिन्यू करें, मतलब ये दिमाग में क्वेश्चन था। नहीं, बिल्कुल, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। इनको बारीकी से समझने के लिए दो चीजें होती हैं, एक होता है एलिजिबिलिटी और एक होता है डेप्रिवेशन। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप सबको दे सकें तो डेप्रिवेशन निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने बोला, अगर आपके पास पैसा है, जैसे प्रधानमंत्री अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, उसमें क्या है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है, वहां कोई एलिजिबिलिटी है क्या? एलिजिबिलिटी गरीबी है, और गरीबी कैसे है? वो उन्होंने अपना एक मल्टीपर्पज इंडेक्स बनाया, उसके हिसाब से निकाल लिया। थोड़ा सा 80 करोड़ लोग, मतलब 140 करोड़ की आबादी है हमारी, 80 करोड़ में हम सब अभी आ जाएंगे? नहीं, तो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है आज की डेट में। अच्छा, भारत का जो पॉवर्टी इंडेक्स है, जो विश्व बैंक के आंकड़ों के हिसाब से, वो पिछले 7-8 सालों में काफी इंप्रूव हुआ है और वो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में हम लोग आई थिंक 10% का इजाफा हुआ है। अब 12% लोग ही भारत के मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में आते हैं, जिनकी आय तकरीबन 1.5 से 2 डॉलर से दिन की उससे कम है। हमने अगर ये इंडेक्स निकाला है तो हमारे पास वो 12% लोगों की लिस्ट भी होगी। अब आप कांग्रेस जैसा सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी, एक आदमी ने सवाल किया कि मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि, आई थिंक खड़गे जी ने बोला था अभी, कि मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि पॉवर्टी इंडेक्स कम हुआ है, इतने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल आए हैं, तो उन्होंने भी ये सवाल पूछा, फिर 80 करोड़ लोग जिनको आप भोजन देते हैं उन्हें क्यों देते हैं? जब वो गरीबी नहीं रहे तो उनको फ्री भोजन क्यों दिया जाता है? मेरा क्वेश्चन, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं, बट ये है कि फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाता है, ये एक
फैक्ट है। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि जो आप कह रहे हैं कि 12% लोग जो मल्टी पॉवर्टी है, भाई अगर 12% का फिगर निकला है तो किसी लिस्ट से या कोई नंबर से निकला होगा जी, तो वो लिस्ट है ना हमारे पास कि नहीं है? नहीं नहीं, वो लिस्ट ऐसा देखिए, पहले क्या होता था कि हर 10 साल में एक जनगणना होती, हाँ, एक सेंसस होता था, उसमें ना सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर होते थे, उसके बेसिस पे निकाला जाता था कि आदमी का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। अनफॉर्चुनेटली 2021 में हमने उसको मिस कर दिया, 2021 में जनगणना की नहीं, इसलिए हमारे पास ना कोई भी बहुत ही ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है इसका कि क्या हो रहा है। अगर सेंसस हुआ होता ट्रांसपेरेंट तरीके से तो हमारे पास एक ऑथेंटिक आंकड़ा होता, पर चलिए उसको अगेन, ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल डिबेट है जो हम बात कर रहे हैं, और लोकसभा इलेक्शन का समय है, कांग्रेस से इन सब बातें जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा लगेगा कि मैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि कांग्रेस भी सारी बातें उठा रही है कि सेंसस क्यों नहीं हुआ, ठीक है, अगर मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में लोग केवल 12% ही रह गए हैं तो 80 करोड़ जिन लोगों को राशन जाता है उनको क्यों जाता है। बट हम थोड़ी देर के लिए आपके पुराने वाले सवाल पर जाते हैं, वरना हम भारत की पूरी राजनीति है डिस्कस कर लेंगे। राजनीति डिस्कस करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद सशक्त पंचायत के बारे में जी, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ठीक है, एक बात तो मानना पड़ेगा, और मेरी किताब में एक विषय भी है, राजनीतिक पार्टी के संविधानों में पंचायत पर उनकी विचार, किसी भी राजनीतिक दल ने अपने संविधान में पंचायत को अधिकार नहीं दिए। हर आदमी महात्मा गांधी जी के गुणगान करता है, हर आदमी कहता है कि ग्राम स्वराज्य होना चाहिए, महात्मा गांधी जी ने किताब लिखी थी स्वराज्य, महात्मा गांधी जी ने यहां तक कहा था कि अगर भारत आजाद हुआ और गांव को स्वराज्य नहीं मिला, पंचायत को स्वराज्य नहीं मिला, तो मैं यही मानूंगा कि भारत एक तरह की गुलामी से निकल के दूसरी गुलामी में चला गया। उसके बाद भी हमको 47 से 92 लग गया संविधान में संशोधन करने में, और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि 92 से 92 से 2024 32 ईयर्स में भी डिवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं हुआ। इन 29 विषयों की शक्ति राज्य सरकार ने गांव को पंचायतों को नहीं दी। जब तक ये अधिकार, यहाँ मोदी जी की बात नहीं करेंगे, कांग्रेस की बात भी करेंगे, 70 साल में क्यों नहीं हुआ? सवाल ये है कि हर आदमी साल में 3 बार महात्मा गांधी जी की जयंती पे, 2 अक्टूबर पे, ठीक है, देन आपका ग्राम स्वराज ग्राम पंचायत राज दिवस होता है उस दिन, और 26 जनवरी पे जब संविधान की बात आती है तो बोलता जरूर है कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, पंचायत सशक्त होनी चाहिए। और देखिए आप भी सोचिए, गांव के स्कूल में टीचर नहीं आता है, एमएलए या ब्यूरोक्रेट को क्या पढ़ी हुई है, गांव के जो अभिभावक हैं उनके जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं उनको ज्यादा दिक्कत होगी टीचर के ना आने से, या एमएलए साहब को या राज्य सरकार को ज्यादा दिक्कत होगी बच्चों के ना आने से? अभिभावक को। ग्राम सभा इकलौती ऐसी सभा है जो भारत के डेमोक्रेसी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ग्राम सभा का मतलब होता है कि 20% अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून है, 20% एलिजिबल वोटर मिल करके इकट्ठा हो जाएं और गांव की समस्या को डिस्कस करें, और जो भी समस्या निकल करके आती है उसका पंचायत के लेवल पर निस्तारण करें। ये अधिकार टीचर की नियुक्ति का, टीचर की सैलरी काटने का, टीचर को सस्पेंड करने का ग्राम पंचायत को होना चाहिए, यही सीधी भाषा में 73वां संशोधन है। और ग्राम पंचायत को इसके लिए, ग्राम सभा को इसके लिए फंड्स भी अलोकेट होते होंगे। अगर जो संविधान के हिसाब से 29 विषयों की पावर पंचायत को दी जाए तो हर भारत में 2,78,000 2,80,000 ग्राम पंचायत हैं। 2,80,000 तो हर गांव में एक पंचायत होती है कि नहीं? नहीं, आप ऐसे मानिए कि ग्राम सभाओं को मिला के एक पंचायत होती है। हाँ, आप कुछ ग्राम सभा को, तो भारत में जो रेवेन्यू विलेजेस हैं वो 6.5 लाख के आसपास हैं, तो आप ये मान लीजिए अनुमानतः 2 गांव, ठीक है, और टोला भी होता है, एक टोला एक गांव का एक और छोटा। आपने एक वर्ड यूज किया भी, रेवेन्यू विलेजेस, इसका क्या मतलब है? सो रेवेन्यू विलेजेस क्योंकि आपको बताया कि जब अंग्रेज थे तो उनका शोषण करने का, राज करने का तरीका क्या था? टू कलेक्ट टैक्सेस, राइट? और इनका आपके बहुत एक इंटरेस्टिंग वाला आपने किताब में भी, लगान आप किताब में मैंने बोला था कि आज भी हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, राइट? पढ़ोगे लिखोगे तो डीएम बनोगे, कलेक्टर साहब बनोगे। कलेक्टर है कौन? वॉरेन हेस्टिंग करके गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया, वो आए, उन्होंने बोला कि हमारा काम क्या है, हम तो कंपनी है, कंपनी का काम क्या होता है? रेवेन्यू बढ़ाना। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ेगा।
तो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो राइट दिया गया वो दिया गया कलेक्टर को, कलेक्टर को, और उन्हीं का उन्होंने एक कॉइन किया वर्ड कलेक्टर। भारत के अलावा ये वर्ड आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। दुर्भाग्यपूर्ण ये नहीं है कि कलेक्टर उन्होंने दिया, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी कलेक्टर साहब मेरे सर पे अभी भी बैठे हुए। वॉरेन हेस्टिंग चला गया, भारत आजाद हो गया, कलेक्टर साहब नहीं गए। और चूंकि अगर आपने टैक्स कलेक्शन में, अगर आपने, आप एक सामान्य पुरुष हैं, किसान हैं, आपने लगान नहीं दिया तो क्या करेगा, आपको कोड़े मारने की सजा, आपको जेल में डालने की सजा, ये सब कलेक्टर साहब के पास होनी चाहिए। और उसी से रट्टा माया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रियल पावर, दैट मीन्स अ जुडिशियरी पावर टू पनिश अ पर्सन। आज डीएम का पूरा काम डेवलपमेंट है, विकास है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पानी, कृषि, रोजगार, सारा का सारा काम विकास है। तो नाम कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्यों? और वो उसका कारण है ही पंचायत। पंचायत को सशक्त बनाइए, ये सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और जो संवैधानिक है उसको न करने में दिक्कत क्या है? तो दिक्कत पे मेरा सवाल है, मतलब आप क्योंकि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत से जुड़े हुए हैं बहुत समय से, आप जानते हैं कि दिक्कत कहाँ है जी। और जब इन ग्राम सभाओं पंचायतों में आप जाते हैं, वहाँ के प्रधानों से मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं फिंगर टिप्स पे करूँ कि भाई 5 या 10 ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जिसके कारण ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, पंचायत सशक्त नहीं बन पा रही है, वो दिक्कतें क्या है? टू फोल्ड है। देखिए, राज्य सरकार जो संवैधानिक है वो करने से मना नहीं कर सकती। राज्य सरकार बोलती है कि हम तो पावर देना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि पंचायत के अंदर कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी नहीं है टू हैंडल टैक्स पेयर मनी। तो वो कॉम्पिटेंस कौन डेवलप करेगा? कॉम्पिटेंस, हाँ बिल्कुल, तो राज्य सरकार करती भी है ना, समय समय पर ग्राम प्रधानों की ट्रेनिंग होती है। आप देखिए पिछले 30-32 सालों में पंचायत घर बनाए गए, हर पंचायत में वाईफाई लगाया गया, आपका एक ग्राम स्वराज का पोर्टल बनाया गया है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है अकाउंटिंग का। तो राज्य सरकार जो संवैधानिक है उसके लिए तो करेगी करेगी, तो अपने साइड से प्रयास करती रहती है कि इनके अंदर कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी डेवलप की जाए। वो कहती है कि जिस दिन कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी इनका डेवलप हो गई उस दिन हम पावर छोड़ देंगे, डिवॉल्व कर देंगे। पंचायत ये कहती है कि भाई मेरे पास तो कोई अधिकारी नहीं है, मैं तो अपना काम ही नहीं कर सकता हूं, एक बार मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तो। और क्या सारे के सारे ग्राम प्रधान इतने इकट्ठे हैं? काफी ग्राम प्रधान तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो कम से कम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। और दूसरी बात, जब भारत आजाद हुआ था तो क्या अंग्रेजों का आपके सामने ये कंडीशन रखी थी क्या आपने कि जब हम रेडी हो जाएंगे गवर्नेंस लेने के लिए तब आप हमको पावर ट्रांसफर करना और जाना? जब इकोनॉमी इंडिया की ओपन हुई थी तो क्या आपने सारे बिजनेस हाउसेस का कंडीशन रखी थी क्या कि सारी की सारी कंपनियां जब ग्लोबली लेवल पर कंपीट करने लगेंगी? भाई यही फिलॉसफी थी ना कि भाई इकोनॉमी हम तब ओपन करेंगे जब हमारी कंपनियां तो स्टेबल हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी, क्वालिटी बढ़ जाएगा, वो ग्लोबल कंपटीशन के आगे टिक पाए। और हम नहीं कर, हम डर रहे थे कि अगर हमने ओपन किया तो क्या होगा, ये सारी कंपनियां, हमारा इकोनॉमी हमारी कोलैप्स हो जाएगी। क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी ऊपर गई। वही फेयर आज भी लेके बैठे हुए हैं कि पंचायत के पास नहीं है। तो मैं जो एक संस्था चलाता हूँ सशक्त पंचायत के नाम से, एम्पावर पंचायत, और जिसके माध्यम से मैं हजारों ग्राम प्रधानों को एड्रेस कर चुका हूँ और अपने पॉडकास्ट में बात करता हूँ, मैं उनको भी एक चीज बोलता हूँ कि भाई देखो ऐसा है, वो कहते हैं संवैधानिक हम दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी नहीं है। मैं प्रधानों को बोलता हूँ कि सही में तुम्हारे अंदर नहीं है, मान लो, क्योंकि तुम पंचायत को संस्था की तरह नहीं चलाते हो, तुम पंचायत को एक व्यक्ति की तरह चलाते हो। मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक ग्राम सभा होनी चाहिए, हर क्वार्टर में एक ग्राम सभा होनी चाहिए, पंचायत के अंदर 7 स्थायी समितियों का प्राविधान है, प्रशासनिक समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, जल समिति, महिला बाल कल्याण समिति, उत्पाद समिति, इन सारी समितियों का गठन होना चाहिए, इन समितियों के मेंबर होने चाहिए, उसके बाद इन समितियों की बैठक में निर्णय लिया जाना चाहिए और उसके बाद ग्राम प्रधान को लागू करना चाहिए। कम से कम अगर 10 समस्याएं टोटल निकाली जाएं तो कम से कम 6 या 7 समस्याएं ऐसी हैं जो ग्राम पंचायत स्वयं ही सॉल्व कर सकती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कम से कम वो प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करो तो ये इस पुस्तक में भी आपको काफी एग्जांपल मिलेंगे, आखिरी जो चैप्टर है संभावना और समाधान उसी के ऊपर है, और जो मेरा पॉडकास्ट है उसमें भी आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, ठीक है, कि कैसे किसी किसी ग्राम प्रधानों ने
अपने समस्याओं का समाधान कर दिया है, तो अगर ग्राम प्रधान इन समस्याओं का समाधान करने लगे खुद ही, तो राज्य सरकार का ये जो बिलीफ है कि कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी नहीं है, वो अपने आप टूट जाएगा और डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो जाएगा। डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ तो हर पंचायत को 6 करोड़ मिलेंगे हर साल के, स्कूल उनके नियंत्रण में आ जाएगा, अस्पताल उनके नियंत्रण में आ जाएगा, ग्रामीण सड़कें उनके नियंत्रण में आ जाएंगी, और उसके बाद उनका विकास अपने आप हो जाएगा। फिर ये भी सकता है कि ग्राम पंचायतों में करप्शन बढ़ जाए। बिल्कुल सही बात है, जिसके पास जो हम सोच रहे हैं कि पावर आ जाएगी, 6 करोड़ आ जाएंगे, करप्शन अगर आ गया तो फिर सब खत्म। बिल्कुल, और क्या आपने बिल्कुल मजेदार बात कही। जब मैं ये पंचायत सशक्त करने की चर्चा राज्य सरकारों में कर रहा होता हूँ, तो लोग कहते हैं कि जब से थोड़ी सी पावर दिए हैं ना, बिहार की बात कर रहा हूँ, तो बोला था कि हर प्रधानवा बोलेरो लेकर के घूम रहा है, ठीक है, और आप कह रहे हैं मनरेगा की पावर दे दिए थे उनको, तो कह रहे कि हर ठीक 2 तल्ला मकान बनवा लिया है और हर ग्राम प्रधान बोलेरो खरीद लिया है, और अब आप कह रहे हैं कि पूरी पावर दे दें, ठीक है, फिर क्या होगा। और आपका भय बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने पहले बोला। तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा एक आउटरेजियस आंसर दूंगा बिफोर गिविंग अ लॉजिकल आंसर। सबसे पहले तो संविधान का 73वां संशोधन को खारिज कर देते हैं, कम से कम असंवैधानिक काम नहीं करते, ठीक है, एक बार और पार्लियामेंट बुलाते हैं, 2/3 मेजोरिटी से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, उसमें 73वें संशोधन को खत्म कर देते हैं। और आपके तरफ से क्या करना चाहिए संशोधन? ठीक नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं पॉसिबल है ना, तो सब लोग मिलकर डिसाइड कर लो, 73वां संशोधन खत्म कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि पॉसिबल नहीं है। अब मैं नहीं, वही मैंने बोला कि थोड़ा सा एक इमोशनल आंसर था, अब मैं आपको लॉजिकल आंसर देता हूं, ठीक है। लॉजिकल आंसर बहुत सिंपल सा है, जो संवैधानिक है वो करना है, और मैं तो बहुत ही स्ट्रांगली मानता हूं कि गांव का स्कूल जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं वो लोग ज्यादा अच्छे से चला सकते हैं इन कंपेयर टू राज्य सरकार या कोई भी सरकार। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी पावर डिवॉल्व कर दीजिए। ग्राम प्रधान के पास ये कहने का मौका नहीं होना चाहिए कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अभी वो बच जाता है कह करके अपने गांव में लोगों के सामने कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। एक बार सारी पावर उसको दे दीजिए, उसके बाद गांव, वो गांव में रहता है, उसका घर भी गांव में है, उसके बाद गांव की सड़क नहीं बनेगी और गांव का आदमी उसके घर के सामने खड़ा हो जाएगा और बोलेगा प्रधान जी सड़क नहीं बना पा रहे हो, और उसके पास अगर ये जवाब नहीं होगा कि मैं तो चिट्ठी लिख चुका हूं राज्य सरकार नहीं कर रही है, उसके पास कोई तरीका नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत नहीं होगा, उसमें भी कुछ होंगे जो नकारे होंगे, उसके बाद भी नहीं करेंगे, तो ऐसे तो राज्य सरकार भी कुछ नकारी होती है, नहीं करती है केंद्र सरकार भी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, 5 साल बाद चुनाव आएगा, जिसने कुछ नहीं किया उसको निकाल करके बाहर कर दीजिएगा। ग्राम प्रधान का भी चुनाव 5 साल में होता है, ठीक है, बट ये जो विषय है इनकी गवर्नेंस लोकली एनी डे बेटर होगी। जब हम बात करते हैं कॉम्पिटेंस की, तो ऐसी कौन सी कॉम्पिटेंस है जो इनको डेवलप करना जरूरी है? देखिए आप, अगर देखिए एक चीज है ऐसा है कि हाँ बिल्कुल आप सही बोला, और आई थिंक पहले ये संभव नहीं था, पर संभव है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक सड़क बनानी है, ठीक है, एक सड़क है जो कनेक्ट करती है आपके गाँव को एक पक्की सड़क से, और उस पक्की सड़क से एक स्कूल कनेक्टेड है, एक अस्पताल कनेक्टेड है, जो भी है, अगर ये पैच सही हो जाए तो मेरा जो किसान है वो अपना सामान मंडी पे पहुंचा पाएगा, मेरे गांव का जो बच्चा है जो हायर स्कूल में पढ़ना चाहता है वो पहुंच पाएगा, कोई बीमार होता है तो अस्पताल समय पे पहुंच पाएगा। अब ये सड़क बनानी है, अब ग्राम पंचायत कहती है कि ठीक है जी हम ये सड़क बनाना चाहते हैं, तो उसके पास क्या ऑप्शन है, और राज्य सरकार के पास जाए, क्यों जाएगी? इसमें 3 स्किल चाहिए जो आपने बोला, पहला क्या, प्लानिंग स्किल्स, इंजीनियरिंग स्किल्स, मेजरमेंट, कितना खड़ंजा लगेगा, कितना बालू लगेगा, कितना लेबर लगेगा, देन फाइनेंशियल स्किल्स, कॉस्टिंग एस्टिमेट ऑफ द प्रोजेक्ट, देन थर्ड इट्स अ पब्लिक प्रोजेक्ट, प्रोक्योरमेंट स्किल, वेंडर कैसे सेलेक्ट होगा जिसमें करप्शन ना हो, ठीक है, जो ये सड़क को बिछाएगा, फोर्थ अकाउंटिंग स्किल्स, पैसा रिलीज कैसे होगा, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कैसे आएगा, कैसे फाइल होगा, फिफ्थ ठीक है मॉनिटरिंग एंड एग्जीक्यूशन स्किल्स। तो ये 5 स्किल्स हैं, ये पंचायत के पास होनी चाहिए। अब पंचायत के पास है नहीं, तो उसको पैसा दे भी दिया जाए तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि सड़क बनेगी ही नहीं, वो तो सड़क खराब बनेगी, और अगर वो स्टेट पर डिपेंडेंट है तो असंवैधानिक हो जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए इन सारी समस्याओं का आप समाधान किया जा सकता है। पंचायत के पास कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो काम 2,78,000 ग्राम पंचायत में होना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कीजिए, सड़क का पॉइंट से पॉइंट डालिए,
एंटर कीजिए, आपके एस्टिमेट्स सब कुछ निकल करके आ जाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है, ठीक है, वहां पे जाकर के इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को फॉलो कीजिए और प्रोक्योरमेंट कीजिए। पूरा ये सिस्टम आ गया इसके ऊपर। जो पैसा रिलीज करना है वो सारा डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू रिलीज कीजिए। तो जो पहले पॉसिबल नहीं था, विद द हेल्प ऑफ अ टेक्नोलॉजी डिजिटल पब्लिक गुड, आज वो पॉसिबल है। सो एआई, और मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, एआई प्लस पंचायत प्लस डीपीजी, ये तीनों चीजें मिल करके जो कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी का जो गैप है पंचायत पे, उसको सॉल्व करते हैं। सही चीज बताइए, चाइना हमारे इतना ही बड़ा है, पूरा यूएस अगर हम देखें तो हमारे इतना बड़ा है, वहां भी गांव है। अब आप जब इतना काम कर रहे हैं तो आपने शायद वहां से भी सिस्टम को कंपेयर किया होगा। वहां पंचायत है जी, लोकल गवर्नमेंट अलग अलग नाम से होते हैं, बट लोकल गवर्नमेंट। वहां पर फंक्शनिंग कैसी है, क्या वहां इतना कॉम्पिटेंस है, या वहां पे जो पावर्स है वो उनके पास है? कि जहां भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है, लोग समृद्ध हैं, वहां पे लोकल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है। आप कोई भी उठा लीजिए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इवन चाइना, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट बाय डिजाइन स्ट्रांग है, इसीलिए वहां पे समृद्धि है। आप इसको ऐसे समझिए कि भारत में तीन टीयर ऑफ गवर्नमेंट है। मैं कहता हूं कि इंडिया को तीन एम चलाते हैं, पीएम, सीएम और डीएम, ठीक है। बट आपने अगर हॉलीवुड की मूवी देखी होगी, और जब एलियन अटैक करता है तो शहर को बचाने डीएम साहब नहीं आते हैं, प्रेसिडेंट ही आते हैं। प्रेसिडेंट आते हैं या मेयर। मेयर, हाँ। मेयर भी सुना होगा आपने। मेयर कौन है? पंचायत का इक्विवेलेंट ही तो है, अर्बन लोकल बॉडी का वो पॉलिटिकल हेड है, ठीक है। तो हमारे पास अगर पीएम है और सीएम है तो फिर डीएम क्यों है? मेयर कहां है हमारा? मेयर कहां है, ठीक है। और सारे डेवलप्ड नेशन में, आज ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल आप सुनते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, यूजली वो बहुत डिफंक्ट होती है, मतलब उसके पास बहुत कम अधिकार होते हैं। या तो फेडरल गवर्नमेंट होती है, मेयर्स के पास अधिकार होते हैं और प्रेसिडेंट के पास होते हैं। तो या तो फेडरल गवर्नमेंट होती है या लोकल गवर्नमेंट होती है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, यूनाइटेड स्टेट्स में 50 स्टेट्स, मैं आपसे पूछूं सीएम कौन है किसी स्टेट का, नहीं बता पाएंगे, या तो प्रेसिडेंट बताएंगे या मेयर बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया में पूछूंगा बताइए, नहीं बता पाएंगे। जापान में पूछे, नहीं बता, चाइना में नहीं बता पाएंगे, प्रेसिडेंट बताएंगे और मेयर बताएंगे। इंडिया में प्रेसिडेंट बताएंगे, मतलब प्राइम मिनिस्टर बताएंगे, फिर चीफ मिनिस्टर बताएंगे। तो इसका ना हमारे संविधान में प्रॉब्लम है। संविधान ने तो ठीक कर ली अपनी प्रॉब्लम, 73rd अमेंडमेंट हो चुका है, संविधान की प्रॉब्लम तो ठीक हो गई है, अब एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। और इसी किताब में मैंने लिखा है कि किस तरह अंग्रेजों के आने से पहले, मुगल कालीन विजन से पहले, हमारा लोकल गवर्नमेंट, जब हम कहते थे भारत सोने की चिड़िया था, भारत वॉज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तब लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग थी। बिना लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग किए कोई कंट्री डेवलप्ड नहीं हो सकती है। और ये मैंने इसमें इतिहास में भी दिखा है। तो दरअसल हमारा जो शुरुआत में इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारा संविधान लिखा गया, अमेंडमेंट तो ठीक है, अमेंडमेंट तो अब हुए, लेकिन शुरुआत में संविधान लिखा गया वो सही नहीं था। उसका पंचायतों के प्रोस्पेक्ट से, उसका कारण यह है कि पंचायत पूरी तरीके से तोड़ दी गई है। तो ये हुआ था कि अभी ये संभव नहीं हो पाएगा कि एकाएक, और आपको पता है कि उस टाइम पे हमारा जो भारत है वो अलग अलग राज्यों की डिमांड से भी जूझ रहा था। लोग कह रहे थे कि ना, कि मतलब वो नवाब साहब हैदराबाद के निजाम साहब कह रहे थे कि हमको अलग देश बनाना है, सब लोग अलग अलग भाग रहे थे। तो उस टाइम पे अगर आप लोकल गवर्नमेंट को पावर करते तो हो सकता है कि भारत को और डिवाइड करना पड़ जाता, क्योंकि राष्ट्रभाव नहीं था। लोकल गवर्नमेंट होने के साथ साथ राष्ट्रभाव होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आई थिंक मेरा मानना है कि जो महात्मा गांधी जी ने बोला था कि तभी कर दो, तभी उन्होंने किताब, उनकी बहुत खूबसूरत किताब है स्वराज्य, वो उसी के ऊपर है, महात्मा गांधी जी ने बोला था, ठीक है। बट हमको लगा कि सही नहीं है। और आपने जो बोला ना संविधान बनना 1950 में, मेरी किताब में अगर आप देखेंगे तो पुस्तक एक चैप्टर है पूरा कि 1950 से लेकर के 92 तक कितनी समितियां बनी, प्रयास हमेशा होता रहा, हर 5 साल बाद समिति बनी। और उसका प्रयास क्या था कि ये समिति का काम क्या है, लोकल गवर्नमेंट को पावर डिवॉल्व करना, बट कभी भी पॉलिटिकल सेंसस नहीं हो पाया। तो नरसिम्हा राव जी और राजीव गांधी जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने वो बोल्ड स्टेप लिया और 73rd अमेंडमेंट 1992 में फाइनली हो गया। उससे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी बनी, बड़ी कमेटियां बनी है, पुस्तक आपको डिटेल में सब मिलेगा। तो उसके बाद ये हुआ। तो अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये इस डायरेक्शन में क्या काम कर रही है? देखिए, हम लोग लाभार्थी की बात कर रहे थे और हमने स्टार्ट किया था एरर ऑफ एक्सक्लूजन से कि लोग छूट जाते हैं। आप सेंट्रलाइज तरीके से
क्यों? क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि मेरे को, मैं एक डेटाबेस बना लूं, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मैं सारे किसानों का डेटाबेस बना लूं, फिर मैं उनके खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर कर दूं, तो वो होगा नहीं, क्योंकि काफी ऐसे किसान हैं जो शहरों में रह रहे हैं, बस कोई पट्टे पर जमीन दे रखी है, अब पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो लाभार्थियों का जो चयन का जो प्रोसेस है, ये तो मैं और मेरे को आपको समझ में आ गया कि बात लाभार्थी की नहीं है, लाभार्थी को पैसे देने ही क्यों, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर तो वैसे भी डेंजरस है। आप गरीबों को देना क्या चाहते हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, भोजन और आजीविका के साधन, लाइवलीहुड ऑप्शन, ये सारे काम तो पंचायत के अंदर के क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो आप पंचायत को सशक्त बनाइए जो पंचायत लोगों को ये सब चीजें दे पाए और वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। मोदी जी ने जो अभी किया है उसमें क्या किया है कि टेक्नोलॉजी को यूज करके जो कैश है वो सीधे लाभार्थियों के अकाउंट में डालना शुरू किया है। इससे करप्शन तो कंट्रोल हुआ है, क्योंकि जब राज्य सरकार में जो ये लोकल पॉलिटिशियन लोग करते थे तो बहुत ज्यादा था, आपको पता है राजीव गांधी जी ने बोला भी था कि एक रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है, तो उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व तो हुई है, काफी हद तक सॉल्व हुई है कि पैसा लोगों के खाते में सीधे पहुंच रहा है, पर ये आपको एक लेवल तक ही लाभ दे पाएगा। अब उसके आगे की जर्नी अगर आपको ट्रेवल करनी है तो ये आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। अब आपको डिवोल्यूशन ऑफ पावर पंचायत को करना पड़ेगा और आपको अपना मोड डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरफ लेकर के जाना पड़ेगा। नाम अभी भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है पर होता क्या है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। अनाज योजना के अलावा जहां पे आपको फूड पैकेट मिलते हैं 5 किलो के, ठीक है, दैट्स अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बाकी सब डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है। ठीक है, अभी केजरीवाल जी ने भी बोल दिया कि 1,000 हर महिला को खाते में हम भेजेंगे, ठीक है, 1,500 रुपए हर युवा को देंगे, है क्या है? सब डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, वोट बैंक ट्रांसफर, वोट बैंक है, आपने वोटर आइडेंटिफाई कर रखे हैं, सीधे उनके खाते में पैसा भेज रहे हैं। इससे सामाजिक सुरक्षा की समस्या का समाधान कैसे होगा, ये मेरी समझ के बाहर है। नहीं, मेरी समझ इसको ये कहती है कि आज से कुछ सालों पहले तक क्या होता था, मतलब इलेक्शन के टाइम पे कहते ना कि 500-500 रुपए दे के वोट खरीदे जाते थे, तो अब क्योंकि आप कैश अमाउंट दे के वोट नहीं खरीद सकते हो, तो अब आप इनडायरेक्ट वे में पैसा, हाँ, आपका टेक्नोलॉजी है ना, आपका टेक्नोलॉजी है, सीधे आप वोट खरीद रहे हो, टैक्स पेयर का पैसा आप सीधे दे सकते हैं, तो आप दे रहे हैं, ठीक है। बात यह है कि क्या स्कॉलरशिप देने से स्कूल में शिक्षा ठीक हो जाएगी? स्कॉलरशिप पेन किलर है, उसको वाइटामिन में बनाइए। मेरे देश को, मेरे लोगों को वाइटामिन की जरूरत है, पेन किलर से केवल ये जो 1,000 का जो कैश ट्रांसफर है, ये जो है, इस पैसे से केवल समस्या को थोड़े दिनों के लिए दबाया जा सकता है। आंकड़े आपके सामने हैं, क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बाद फार्मर सुसाइड कम हुए? तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर आपको, और उसका कोई तरीका नहीं है, क्योंकि जो जिसको आप बोल रहे हैं ना लाभार्थी, ये इतना डायनेमिक वर्ड है कि एक आदमी गांव में रहता है, वो किसान भी हो सकता है, मछुआरा भी हो सकता है, ठीक है, वो बेरोजगार भी हो सकता है साल के कुछ समय में, ठीक है, वो आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर भी हो सकता है। बेनिफिट देने जाएंगे अगर इस मेथड से तो सारे बेनिफिट दे देंगे, वो भी गलत है। तो सही तरीका यह है कि ये जो आदमी है, उसका जो परिवार है, जो गांव में रहता है, उसको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके लिए पंचायत सशक्त होनी चाहिए। तो यही मेरी लर्निंग थी। और अगर लाभार्थी भी डिसाइड करना है तो कोई ऐसा व्यक्ति लाभार्थी डिसाइड करे जो उस बंदे को जानता हो, नहीं ग्राम सभा डिसाइड करे ना। अभी अभी कौन कर रहा है, अभी शायद एमएलए कर रहा हूं। अभी तो क्या है, तो पहले पहले क्या था, एमएलए साहब करते थे, ग्राम प्रधान साहब मिलकर के। अब ग्राम प्रधान संस्था नहीं है, वो तो ग्राम प्रधान क्या कहते थे कि भाई 100 बच्चों के नाम जाने, मान लीजिए, तो ग्राम प्रधान जी कहते थे कि 10 मेरे नाम डाल दो, ठीक है 10 तुम्हारे नाम आ गए। एमएलए साहब बोलते थे 15 मेरे नाम डाल दो, 15 एमएलए साहब के नाम आ गए। जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, लाभार्थी की 3 डेफिनेशन है, क्या क्या, पॉलिसी के हिसाब से जो जरूरतमंद है, पॉलिटिशियन के हिसाब से जो वोटर है, ब्यूरोक्रेट के हिसाब से जो ब्राइब करे। तो 100 लाभार्थी थे, 25-30 वो हो गए जो ब्राइब करेंगे, 25-30 वो हो गए जो वोटर हैं, और 25-30 वो हो गए जो सही में जरूरतमंद है। तो इस तरीके से जो मैं एक नंबर आपको बताया था, 1/3 ऑफ एरर ऑफ एक्सक्लूजन, वो अपने आप आपके सामने है। अभी वो एक वेब सीरीज आती तो है, मैंने अपनी अपनी बात थोड़ा खत्म करूंगा। उसका सही तरीका क्या है, अब आप ये बोलिए कि जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा की बैठक में, खुली बैठक में लाभार्थियों का चयन होगा। अब खुली बैठक जब हुई, 20% वोटर होना मैंडेटरी है, या 1/3 वोटर होना मैंडेटरी है, प्रधान साहब ने बुला ली और ये निकल आया कि भाई हाँ, इस गांव में इतने लोगों के घर कच्चे हैं या टूट गए हैं, ठीक है, इन लोगों को सबसे पहले घर मिलना चाहिए, उनका चयन हो गया।
और सारे गांव वालों ने साइन कर दिया, अब इन्हीं को घर मिलेगा। सही बात। बट इस प्रोसेस में होगा क्या, एमएलए साहब अपने वोटर कैसे लेकर के आएंगे? एमएलए साहब के घर के सामने आकर के कौन खड़ा होगा ये बोलने के लिए कि मेरे बच्चे को स्कॉलरशिप दिलवा दो? कौन उनकी सभाओं में जाके नारे लगाएगा? और एमएलए साहब को तो वैसे ये सब काम करने भी नहीं चाहिए, सब लोकल गवर्नमेंट के काम है। एमएलए साहब को विधानसभा में बैठ करके राज्य के लिए कानून बनाने चाहिए, तो राज्य के लिए कानून बनाए, ये सारे काम लोकल हो जाएंगे। बट जिस दिन ये डिफंक्ट हुआ, यहां पे आप समझिएगा, एमएलए डिफंक्ट होंगे और डीएम डिफंक्ट होंगे, तो डिफंक्ट होगा कौन? पावर जाएगी किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। 25 लाख करोड़ की जो पावर है, ऐसा तो नहीं कि ये आसमान से टपक करके आने वाली है, कहीं से निकलेगी ना, तो ये निकलेगी स्टेट गवर्नमेंट से। तो जब स्टेट गवर्नमेंट से पावर, इतनी फाइनेंशियल पावर निकल जाएगी, तो स्टेट गवर्नमेंट की वैल्यू, जैसे कि हम बात कर रहे थे अमेरिका में और बाकी जगहों पे बहुत कम है, तो यहाँ पे भी वो हो जाएगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं राज्य सरकारें कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी का बहाना दे करके इसमें टालम टोल करती हैं। पर आप इतने सारे प्रधानों से मिलते हो, पंचायतों से मिलते हो, कुछ तो ऐसे प्रधान या पंचायत में लोग होंगे जो अपनी पावर समझते हैं आज की डेट में भी, जो 73 अमेंडमेंट एक्ट को समझते हैं और अपनी पावर को यूज भी करते होंगे। देखिए, अब तक मैं अपने पॉडकास्ट में 2500 ग्राम प्रधानों से बात कर चुका हूँ, वर्कशॉप में 500 से 600 ग्राम प्रधानों से डायरेक्टली वर्कशॉप कर चुका हूँ। वर्कशॉप का पर्पस होता है कि उनको बताना कि वो अपनी शक्तियों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी पावर को, जैसा आपने बोला ना, ग्राम सभा कंडक्ट करें, समितियां बनाएं, कैसे अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी पॉडकास्ट की कंडीशन ही यही है कि जो इतनी चैलेंजेस के बाद भी अपने गांव को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मैं उन्हीं को अपने पॉडकास्ट में बुलाता हूं। अमेजिंग एग्जांपल्स है मेरे पास, ठीक है। एक मान लीजिए कि एक है प्रियंका तिवारी जी हैं, वो आई थी, माया विश्वकर्मा जी हैं, वो आई थी, नीरू यादव जी हैं राजस्थान से, वो आई थी, आपके कश्मीर से रैदर महाराज जी हैं, जो कि एक स्टोन पेल्टर थे, उनके स्टोन पेल्टर से ग्राम प्रधान बनने की कहानी, ठीक है। देन एक अमित जी हैं, वो भी आए थे अभी, वो 7 दिन में ग्राम प्रधान बने। अब प्रियंका जी ने आज उनका गांव भारत का सबसे ज्यादा स्वच्छ गांव में से एक है, उनके स्कूल में टीचर्स आते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है, गांव का उन्होंने रूपरेखा ही बदल दी, और इन्हीं सिस्टम में रहते हुए, क्योंकि उनको अपनी कैपेबिलिटीज पता है, अपनी पॉलिसीज पता है, अपना एक्ट पता है। करेक्ट। उनको अपने अधिकार पता है, उनके अपना संवैधानिक अधिकार पता है। और जैसे थोड़ी देर पहले आपको मैंने बोला था ना, वर्कशॉप में कराता हूँ, वर्कशॉप में क्या कहता हूँ कि 10 में से अगर आप 10 समस्या निकालेंगे तो 6 या 7 काम ऐसे हैं जो ग्राम प्रधान खुद कर सकता है बिना राज्य सरकार की सहायता लिए। तो ये इन सब में खास बात क्या है कि उन्होंने पहले उन 6 या 7 को तो फिक्स किया। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं सड़क नहीं बना सकता, सड़क के लिए फंड राज्य सरकार देगी, चलो इसको साइड रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, गांव में सैनिटेशन, कचरे को तो ठीक कर सकता हूँ, चलो पहले इसको ठीक करते हैं। तो जो गांव में काम किए जा सकते थे पहले वो करे, पहले उन्होंने वो किए, और 10 में से 5 से 6 ऐसे काम है जो किए जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जांपल वो हैं। ये भी परेशान है बाकी 4 काम करने के लिए, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है जो तरीका, जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। भाई उन्होंने क्या किया, भाई पढ़े लिखे थे, अपने दोस्तों से जाकर के शहर से ग्रांट ले लिया और उससे जाकर के अपना काम करना शुरू कर दिया। बट ये कोई बहुत सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म तरीका नहीं है, बट एक उन्होंने उदाहरण दिया। और मेरा भी, बाकी जो ग्राम प्रधान है उनसे भी यही आह्वान है, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि भैया ये 6-7 काम करना शुरू कर दो। राज्य सरकार का ये सबसे बड़ा जो रीजन है ना, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। और राज्य सरकार का मेरा कहना ये है कि भाई ये एक्सक्यूज देना बंद कर दो, डिवॉल्व कर दो पावर ग्राम प्रधान, ठीक है। 2,78,000 ग्राम प्रधान में हो सकता है 1/3 डिफंक्ट करेंगे, 2 लाख अपना काम करेंगे, नहीं करेंगे तो उनको अगले इलेक्शन में मुंह की खानी पड़ेगी, नए आएंगे वो करेंगे, ठीक है। आपका जो करंट मेथड है वो पिछले 34 साल से काम नहीं कर रहा है, 1992 से लेकर, सॉरी 32 साल से काम नहीं कर रहा है संविधान को संशोधन कर, तो उस मेथड पर टिके रहने का तो कोई तुक नहीं है, तुक नहीं है। जो 32 साल से नहीं चल रहा है वो भाई आगे कैसे चलेगा, तो कुछ ये करके देखो। और इसके मेरे पास 2 एग्जांपल है, जहां आपको आजादी मिली थी और जो 1990 में जो इकोनॉमी ओपन हुई थी, दोनों कंडीशन में हम तैयार नहीं थे, बट हमने अच्छा किया। तो थोड़ा विश्वास रखो,
ग्राम पंचायत भी अच्छा मुझे एक ही और लगता है इसको ना और सशक्त बनाने के लिए, जो आप देखो चाहे स्मॉल टाउन के लोग हों बच्चे हों चाहे गांव के बच्चे हों, वो सब गांव और छोटे शहरों को छोड़ के शहरों की तरफ भाग जाते हैं। जिनको अब मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, मैं छोटे शहर से हूँ भाई, गांव से नहीं हूँ एग्जैक्टली, पर छोटे शहर से हूँ, मैं बाहर आ गया दिल्ली में रह रहा हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो गांव से बिलोंग करते हैं, अब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, आईटी से अच्छे पास आउट हैं। वो लोग अगर अपने गांव में जाके प्रधान की पोजीशंस लें, पंचायतों में बात करें, तो वो शायद उतने कॉम्पिटेंट हैं कि ग्राम सभाओं को और पंचायतों को ले भी। बहुत अच्छा मैसेज है और मैं बोलूंगा जितने लोग भी जा सकें, रास्ता कठिन है क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा। अमित भारतीय जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, अमित जी जो मेरे पॉडकास्ट में आए थे, उन्होंने अपनी वेल एस्टेब्लिश्ड, उन्होंने दिल्ली से ही मास कम्युनिकेशन में पढ़ाई की और NDTV और DD न्यूज़ में काम किया, किसी वजह से आहत होकर के वो प्रधान बने। उन्होंने एक स्कूल को अपने ट्रांसफॉर्म भी किया बट बाकी बहुत सारे काम नहीं कर पाए। तो रास्ता आसान नहीं होगा बट ये चुनना चाहिए। अब सवाल है कि लोग क्यों नहीं जाएंगे पढ़े लिखे। मैं आपको बताता हूँ, मैं लखनऊ गया था अभी ग्राम प्रधानों की वर्कशॉप करने, मैं ड्राइवर था, मैंने एयरपोर्ट से जब मैं जा रहा था तो मैंने उससे पूछा भाई कि किस गांव से आते हो, तो उसने बोला जी पास में इस गांव से आते हैं। तो मैं कितना कमाते हो, तो उसने बोला 30 से 40 हज़ार रुपये महीना कमा लेते हैं। तो मैंने कहा तुम्हें 30 से 40 हज़ार रुपये अगर अपने गाँव में दूँ तो अपने गाँव में रहोगे? कहते नहीं रहूँगा। कह रहा क्यों? मैंने कहा 30 से 40 हज़ार तुम्हें, कह रहा मैं बिना काम के तुम्हें दे रहा हूँ बैठा करके, कह रहा मैं आप मुझे दे भी दोगे मैं अपने बच्चे को इस स्कूल में भेजूंगा, ठीक है, मेरे माता पिता बीमार रहते हैं, यहाँ जिला अस्पताल है, कम से कम दवाई मिल जाती है, कुछ दिक्कत होती है इलाज हो जाता है, कह रहे वहां मैं कहाँ से इलाज कराऊंगा, कह रहे मेरा लाइफ स्टाइल क्या होगा, क्या मैं 30 हज़ार की जिंदगी कमा कर गाँव में कर सकता हूँ? तो बात घूम करके फिर वही आ गई कि भाई बात में यही ठोकूंगा। तो इसका मतलब जो मोदी जी कह रहे हैं गारंटी कैश की, भाई कैश ही गारंटी मत दो, गारंटी मूलभूत सुविधाओं की दो, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर अगर स्वास्थ्य शिक्षा सड़क ये तीन चीजें आप समझिए, ये तीन चीजें तो बिल्कुल मस्ट है, मस्ट है, ठीक है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की वजह से ONDC है तो मार्केट का एक्सेस आ गया है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इवॉल्व कर रही है, AI इवॉल्व कर रही है, लोग कहीं से भी बैठ करके काम कर सकते हैं, बाकी चीजें हो रही हैं, बट स्वास्थ्य शिक्षा और सड़क ये तीन चीजें आप दे दो बिल्कुल, और ये तीनों चीजों का अधिकार क्षेत्र पंचायत का है, आपका है भी नहीं, तो उनको दे दो, सेल्फ गवर्न करेंगे। जिस भाई आप सिंपल सी बात है कि आज मैं आप अपने गाँव में रहते हैं और मैं बोलूँ कि आप अपना अस्पताल चलाएंगे, आप मतलब आपका गाँव, तो आप सारे गाँव के लोग मिलकर के अगर जिम्मेदार हैं अपना अस्पताल चलाने के लिए तो वो तो थोड़ा बेटर ही चलाएंगे ना, क्योंकि आप ही के लोगों के घर वालों का वहां पे इलाज होना है, कल को आप ही का मतलब ऐसा तो नहीं भाई, MLA साहब तो दूर रहते हैं, प्रधान साहब का घर तो वही है, जो वार्ड मेंबर है उनका घर तो वही है, पंचायत समिति के जो सदस्य हैं उनका घर तो वही है, वो तो गांव में ही रहते हैं, उस फैसिलिटी में तो उनको भी इस्तेमाल करना है, तो थोड़ा तो ठीक करेंगे ना, जहां पे उनका बच्चा स्कूल में जाता है, जहां उनके घर परिवार वालों का इलाज होता है, उसको थोड़ा तो ठीक करेंगे, वो लॉजिकल है, मतलब इसमें कोई बड़ी लॉजिकल सी बात है, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर ये किया जाए तो इसको मतलब देखिए टू फोल्ड, पंचायत को सशक्त करें जिससे कि मूलभूत सुविधाओं को वो ठीक करें, इससे गाँव से जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो गाँव में वापस जाएंगे, ये गाँव में जाएंगे तो गाँव में इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, लाइवलीहुड और इनकम जनरेशन स्टार्ट करेंगे, उससे गाँव धीरे धीरे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, और जो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे तो भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे और वो भारत को डेवलप्ड कंट्री बना देंगे। वेरी ट्रू। इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट को यही कहूंगा कि अभी लोकसभा चुनाव का समय है, प्लीज आने वाले 5 साल में आप पंचायतों को सशक्त बनाने पर काम करें तो उससे देश सशक्त बनेगा। अभी जी हमारे शो का ना एक रिचुअल है, मतलब जो भी हमारे शो पे आता है हम लास्ट में एक छोटा सा बुक डांस करते हैं, ये जैसे आप ग्राम सभाओं तक मैसेज पहुंचाते हैं, मैं अपने शो के थ्रू मैसेज पहुंचाता हूँ कि भाई बुक्स पढ़ो क्योंकि किताबों में बहुत ज्ञान है। आज आपने इतना ज्ञान दिया जो पंचायत वगैरह, इतना ज्ञान मुझे नहीं था, या भी किताब पढ़ के इतना ज्ञान आया ना, मतलब इट्स सच एन इन्फॉर्मेटिव थिंग। आप गाँव 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 बोलते हो पर गाँव के बारे में पता कुछ नहीं है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ें ताकि आप अपने संविधान को, अपने गांव को, अपने देश को समझ सकें। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक 10 सेकंड के बुक डांस के लिए। जी दोस्तों, जो अगर आपने पूरा कन्वर्सेशन सुना है तो हम गांव की बात कर रहे थे, अपने देश की बात कर रहे थे, अपने संविधान की बात कर रहे थे,
और पर जो आपने सुना ना वो 1% भी नहीं है जितना इस किताब में उसमें डिटेल्स दिए हुए हैं। मैंने इस किताब को पूरा पढ़ा है, जिसका नाम है सशक्त पंचायत, और ये किताब केवल पंचायत की समस्याओं की बात नहीं करती, उनके समाधान की बात भी करती है। इसमें लास्ट चैप्टर है समाधान के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हमारा एक छोटा सा रिचुअल है जी, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा दर्शकों से, लोकसभा चुनाव आ रहा है, आपके पास लोग वोट मांगने आएंगे। मेरा अनुरोध है कि जो भी आपके पास वोट मांगने आए सांसद जी, उनसे आप ये कहिएगा कि जो भारत का 73वां संशोधन है उसके हिसाब से जो भी संवैधानिक अधिकार हैं उसको, उसके डिवोल्यूशन के लिए आप प्रयास करेंगे, तभी मैं आपको वोट दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, और करना भी चाहिए। जो भी संविधान में है वो संविधान हम सबको पता होना चाहिए और संविधान को हमें लागू भी करवाना चाहिए जी। तो सर एक छोटा सा डांस कराता हूँ उसमें यूँ जी, अगर आप भी करें, बस लोगों से इतना बोले कि बस ये बुक पढ़िए, इसलिए नहीं कि बुक इनने लिखी या बुक अच्छी है या बुक की मार्केटिंग है, इसलिए क्योंकि ये हमको हमारा संविधान, हमारे रूल्स बताती है, हमारी कैपेबिलिटी बताती है, हमारे अधिकार बताती है जी। सर एक बार फिर से जी, क्या डांस इस बुक के बारे में? तो ये बुक अवश्य पढ़िएगा। जैसा कि हमारा भारत जो है वो सेल्फ गवर्न था, ये किताब उससे स्टार्ट होती है, कैसे हमारा भारत में स्वराज्य था, ग्राम स्वराज्य था, लोकल गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस थी। उसके बाद ये किताब आगे बढ़ते हुए आती है कि कैसे मुगल कालीन पीरियड में थोड़ा सा हुआ बट उतना नहीं हुआ, बट अंग्रेजों ने रेवेन्यू के लिए कैसे क्षतिग्रस्त किया। फिर ये बताती है कि अलग अलग राजनीतिक दलों ने कैसे इस मुद्दे को उठाया और भारत जब आज़ाद हुआ तो किन किन समितियों ने मिल करके भारत में ग्राम स्वराज्य की स्थापना, जो महात्मा गांधी जी का विजन था, उसकी तरफ प्रयास किया। 73वें संशोधन तक की कहानी बताती है 1992 में, और उसके बाद ये जो किन किन राज्यों में कैसे कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, उसकी क्या स्टेटस कंडीशन है वो बताती है। और फाइनली दो चीज़ों पर ख़त्म होती है, एक कि भारत में, विश्व में जितने भी देश हैं उसमें लोकल गवर्नमेंट की क्या कंडीशन है, और वो जो डेवलप्ड हैं उन सब में लोकल गवर्नमेंट पावरफुल है, आप इसमें देखेंगे। और अंत में ये जो फंसी हुई कहानी है जिसकी हमने इस पॉडकास्ट में चर्चा की, उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये इसका आखिरी चैप्टर है, संभावना एंड समाधान। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय शो। थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आशा करते हैं आपको फिर हम दोबारा अपने शो में देखें। थैंक यू।